हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईज ए यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। SJVN लिमिटेड की तरफ से फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। काफी अच्छी वैकेंसीज है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कब से कब तक आवेदन चलेंगे, उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। दोस्तों, बात करें ऑफिशियल नोटिस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SJVN की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है और इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। काफी ज्यादा वीडियो अपलोड मैंने कर दी हैं, कम से कम भी 200-300 वीडियो अपलोड कर दी होंगी इस साल जो वैकेंसीज आई है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब और बहुत सारी प्राइवेट जॉब आपको देखने को मिलेंगी जिसके लिए काफी लोगों ने आवेदन करे हैं। और आज की जो ये वैकेंसीज है वो भी काफी अच्छी आपके लिए रहने वाली है जो कि SJVN की तरफ से निकाली गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी 9 अक्टूबर यहाँ पे रखी गई है। बाकी इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ये आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका मिल जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। कोई फेक न्यूज आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी, आपको यहाँ पे जेन्युइन न्यूज दी जाएगी जो कि आप देख सकते हैं। वैकेंसीज जो रहेंगी, टेंटेटिव वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन की बात करें, सिविल इंजीनियर के लिए 90 पोस्ट रहेंगे जूनियर फील्ड इंजीनियर की, जिसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट रहेंगे, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट रहेंगे, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। HR जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट रहेंगे, इसमें ग्रेजुएट 1 ईयर का, 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट में आपकी जूनियर फील्ड ऑफिसर की 12 पोस्ट रहेंगी, जिसके लिए इंटर CA, इंटर ICWA, CMA कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने फुल टाइम MCOM कर रखी है। IT में यहाँ पे जो रहेगी जूनियर फील्ड ऑफिसर की 8 पोस्ट रहेंगी, इसके लिए डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। एंड जूनियर फील्ड ऑफिसर की आपकी जो OLM आपकी पोस्ट रहेंगी, इसमें मास्टर डिग्री आपकी जो होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं, हिंदी विद इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। बाकी PR में जूनियर फील्ड ऑफिसर की यहाँ पे 4 वैकेंसीज रहेंगी, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, 1 ईयर का फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में। आर्किटेक्चर में 4 पोस्ट रहेंगे जूनियर फील्ड ऑफिसर की, जिसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपका आर्किटेक्चर में होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 रखी गई है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो आपका पैकेज रहे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट यहाँ पे होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। बाकी कंपनसेशन पैकेज की बात करें, जूनियर फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड ऑफिसर के लिए 45,000 आपको दिया जाएगा। बाकी EPF आपका एप्लीकेबल रहेगा, बाकी फिक्स टर्म टेन्योर पर आपको ये रखा जाएगा। प्रोजेक्ट नेम आपका जो रहेगा वो आप देख सकती हैं, प्रोजेक्ट नेम आपके यहाँ पे दिए गए हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश में जो प्रोजेक्ट रहेंगे उसके लिए आपको रखा जाएगा। बाकी उसके अलावा आसाम में रहेंगे, ईटानगर में रहेंगे, 100% फिक्स जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी जो अरुणाचल प्रदेश के लिए रहेंगी उनके लिए रहेंगी, बाकी 50% फिक्स आपकी जो सैलरी रहेगी वो ईटानगर एंड आसाम के लिए रहेंगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो अदर बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। इंक्रीमेंट आपका 5%, 4%, 3% रहेगा जो कि PER रेटिंग के एक्सीलेंट बेसिस पे रहेगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डेज की अर्न लीव आप ले सकते हैं, TED आपको दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी की सारी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। जो आपके SJVN के एम्प्लॉय रहते हैं वो आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस भी इनको दी जाएगी जो कि काफी अच्छी इंश्योरेंस है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। RS 8 लाख तक आपका यहाँ पे एंगेजमेंट रहेगा जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेंटेटिव रिजर्वेशन देखें तो टोटल 155 पोस्ट हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो पोस्ट आपको दी गई है वो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये CBT बेसिस पे रहेगा। CBT एग्जाम आपका लिया जाएगा जिसमें कि आप देख सकते हैं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड जो SJVN का यहाँ पे ऑनलाइन ID रहेगा वो आपको जनरेट कर लेना है, रजिस्टर्ड ईमेल ID से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, उसी के थ्रू आपको जो वो मेल आ जाएगा उसी के थ्रू आपको मैसेज भी आ जाएगा। टेस्ट सेंटर जो रहेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम एंड मणिपुर में रहने वाले हैं। जिसमें भी आपको यहाँ पे नजदीक पड़ता है तो आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 2 टेस्ट सेंटर जो रहेंगे वो प्रेफरेंस बेसिस पे रहेंगे, आपका प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2, आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, दोनों में से आपको जो नियर बाय होगा वो आपको मिल जाएगा।
बाकी उसके अलावा जो सीबीटी टेस्ट रहेगा वो टू पार्ट्स में रहेगा। पार्ट वन इसका रहेगा 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कि रेलिवेंट डिसिप्लिन से रहेगा। पार्ट टू आपका रहेगा 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। इसमें 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। 50 मार्क्स आपके रहेंगे यहाँ पे जो आपके अदर कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। बाकी प्लेसमेंट की बात करें तो आपकी प्लेसमेंट जो रहेगी वो एसजेवीएन के प्रोजेक्ट्स में रहेगी, जो कि लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसमें जो आपकी कंडीशंस रखी गई हैं वो कंडीशंस आप देख सकते हैं। इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 18 इयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पे जॉब रखी गई है वो 30 रखी गई है। इसमें आपके जो रीजनल बेसिस पे आपके जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जो डोमिसाइल रहेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 300 रुपीज रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, प्लस जीएसटी चार्जेस 18% रहेंगे, बाकी अदर कैंडिडेट्स एग्जेम्प्शन रहेंगे फीस से। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को अप्लाई कर लें। कब से इसकी रिक्रूटमेंट चलने वाली है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। डेट इसकी जो रहेगी स्टार्टिंग डेट वो 18/9/2023 से कल से आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसमें जो रहेगी वो 9 अक्टूबर की यहाँ पे रखी गई है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 45,000 सैलरी काफी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर लें, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट प्रोवाइड की जाती है ऑफिशियल नोटिस के साथ में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।